अर्पिता, आप लोग बहुत टाइम से गार्गी कॉलेज टूर डिमांड कर रहे हो, तो फाइनली आज मैं कॉलेज जा रही हूँ। बट अब मुझे नहीं पता कि आज कॉलेज खुला होगा कि नहीं, क्योंकि किसी भी ईयर की क्लासेस अभी नहीं लग रही हैं। तो देखते हैं, अगर खुला होगा तो मैं आपको कॉलेज टूर दूंगी, अगर नहीं होगा तो क्या ही दे पाऊंगी। तो हाँ, पहली चीज कि मैं आपको थोड़ा सा बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दूँ, तो आपका नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन होगा ग्रीन पार्क और मूलचंद, जो भी आपको प्रेफरेबल है वो आप लेके आ सकते हो यहाँ से। यहाँ पे आपको शेयरिंग ऑटोज मिल जाते हैं दोनों ही स्टेशन से। ग्रीन पार्क कंपेरेटिवली थोड़ा सा पास है, तो आप वहाँ से चल के भी आ सकते हो, बहुत लोग तो आते हैं, तो जो भी आपको सही लगे। एंड बाकी यहाँ पे बस से भी आ सकते हो आप, जैसा आपको सही लगे। बस का आप कमला नेहरू स्टॉप पे भी उतर सकते हो, गार्गी पे भी उतर सकते हो। कमला नेहरू से आपको थोड़ा सा चलना पड़ेगा गार्गी के लिए, 3-4 मिनट चलना पड़ेगा आई गेस। एंड अगर गार्गी के सामने उतरते हो तो फिर तो सामने ही है गार्गी एकदम, बस रोड क्रॉस करके आपको आना है। गार्गी के बस स्टॉप पे आपको बसेस मिलती हैं 480, 544 ये सब। एंड जो कमला नेहरू है वहाँ पे काफ़ी बसेस आती हैं, लाइक 540, 413, 522, और कौन सी आती है, साकेत वाली का नंबर क्या है, 500, हाँ ये सब बसेस आती हैं। ठीक है, तो मैं आपको एरिया वगैरह सब दिखाऊंगी, क्योंकि बच्चों का ये भी होता है ना कि एरिया कैसा है कॉलेज के आसपास वाला, तो वो भी मैं दिखाती हूँ आपको। तो चलो फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ से एंट्री ले ली है, वैसे हमारा मेन गेट नहीं है बट फिर भी अभी एंट्री यहीं से है। एंड एंट्री करते ही ये सेम हॉल आता है, एंड यहाँ पे ऑडिटोरियम है। मैं इसके अच्छे अच्छे वाले कैप्चर करूँगी क्लिप अभी। एंड ऑडिटोरियम के अपोजिट सेक्रेट गार्डन, यहाँ पे अच्छी खासी धूप आती है, फोटोज भी बहुत अच्छी आती है। चलो ऑडिटोरियम के अंदर दिखाती हूँ। ये ऑडिटोरियम है, दो दो बार बोलेंगे हम। एक हमें दीदी मिल गई है, वो भी ब्लॉगिंग कर रही है। ठीक है, तो ये ऑडिफॉयर है। हाँ, यहाँ पे ऑडिटोरियम नहीं है, ऑडिफॉयर है। यहाँ पे सोसाइटीज की प्रैक्टिसेस होती हैं। अब ऑडिटोरियम के दो गेट हैं, दो से ज़्यादा ही हैं, सात हैं, आठ हैं, कितने दीदी? तो एक ऑडी का ये गेट है, ऐसे ही ऊपर भी है। सब तुम लोगों के लिए तोड़ फोड़ मचा रखी है कॉलेज वालों ने, एकदम अच्छे से होगा। एंड ये बालकनी है, इसके ऊपर के लिए गेट है। हमारी ऑडिटोरियम काफ़ी अच्छा है। टन टना, तो यहाँ पे सारा सामान होता है जो हम कभी कभी चुरा लेते हैं अपने इवेंट के लिए। ये सीढ़ी है यार, मुझे चढ़नी नहीं है, बस वही है कि ऊपर से भी गेट है। ये है वॉल ऑफ फेम, जितने भी हमारे एलुमनाइज है ना, सब इन्हीं पे है। दिस इज सेम हॉल, ठीक है, देखने दो। वॉशरूम के अंदर नहीं दिखाएंगे। कंप्यूटर लैब दिखाने जा रहे हैं, वो हमें भगा ना दिया जाए कॉलेज से कि कर क्या रहे हैं। ठीक है, बट लेट्स सी। पता है हमने यहाँ पे अपने ट्रेजर हंट में ऐसे क्लूज छुपाए थे, किसी ने ढूंढा ही नहीं, सारे के सारे क्लूज वैसे ही रह गए। तो ये है हमारा कंप्यूटर लैब, वैसे दो लैब है, एक कॉमर्स ब्लॉक में है, पर ये वाला ज़्यादा अच्छा है। देख लो यार, ऐसी है ऊपर से। अगेन स्टेयर्स हैं फॉर ऑडिटोरियम, यहाँ पे भी स्टेयर्स हैं फॉर ऑडिटोरियम। आई गेस 7-8 गेट है ऑडिटोरियम के। तो हाँ, अब चलो नीचे उतरती हूँ, सांस फूल गई मेरी, बहुत मेहनत करा रहे हो तुम लोग। गाइस एक बहुत अच्छी चीज़ दिखाती हूँ, इतना साफ वॉशरूम मैंने अभी तक नहीं देखा। ठीक है बाय, इतना ही देखो, टाटा। तो यहाँ पे था ऑडी, ऑडी मैंने दिखा दिया पूरा। अब जस्ट अपोजिट मैंने जिस बताया था सेक्रेट गार्डन, ठीक है, तो ये आपका गार्डन है। यहाँ पे ठंडियों में मस्त धूप आती है। यहाँ से जब आप जाओगे तो मेन जो गार्गी आर्क होता है ना, जो आपको फोटोज़ में दिखता है, वो मिलेगा। बट मीन वाइल अभी हम यहाँ चलेंगे, वहाँ पे बाद में जाएंगे। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बेसमेंट वगैरह है, मैं बताती हूँ। बेसमेंट में बेसिकली जो सोसाइटीज़ होती है ना, उनकी प्रैक्टिस चलती रहती है। तो ये जितनी भी हट वाली क्लासेज हैं, इन्हें PC कहा जाता है। एंड ये हमारा है आर्ट्स क्वाड्रिलेटरल, हाँ आर्ट स्क्वाड बोलते हैं इसे हम। ऐसे सिमिलरली साइंस स्क्वाड भी है। ये जो है अपना इधर साइड वाला, ये सारा कॉमर्स वाला है एंड आर्ट्स वाले बच्चों के लिए। एंड जब उधर साइड जाएंगे तब साइंस वालों के लिए मिलेगा। इधर भी दिखाती हूँ, एंड यहाँ पे बेसमेंट है। बच्चे ना हमेशा कन्फ्यूज होते हैं PCs में, तो यहाँ पे 2-3 PCs हैं। इन्हें BH1 भी कहते हैं, BH2 भी कहते हैं। एंड बेसमेंट तो बंद ही होगा ऑफकोर्स, पूरे कॉलेज को तोड़ डाला है इन्होंने। मस्त मिलेगा तुम लोग को कॉलेज, एकदम नया सा
ये बेसमेंट का गेट, एंड अगेन यहाँ पे पीछे साइड पीसीज हैं, PC5 एंड बहुत सारी PC7 वगैरह, जैसे ये PC5 हो गया, आगे क्या है, बहुत सारा है। एंड ऐसे चलते चलते कैंटीन पहुँच जाओगे। तो ये हो गया पीसीज, ठीक है। अब पीसी के बाद हम वापस चलते हैं जिंदरी के साथ, मैं ब्लॉक कर रही थी, मतलब जो आई हैं रैंडमली मिल गए हम, बट हाँ वो मेरा वेट कर रही है उधर पे। तो यहाँ पे मैंने पीसीज वगैरह दिखा दिया आपको, अब हम बाकी आर्ट स्क्वायर दूसरे साइड से दिखाएंगे। बहुत कंफ्यूज कर रही हूँ मैं वैसे, है ना। देख लो वापस हम पीसी से चल के आ गए, एंड अगेन यहाँ पे आर्ट स्क्वायर है, यहाँ से नहीं हम मेन गार्गी आर्ट से दिखाएंगे। यहाँ से चलते हैं, हमारा जो मेन गार्गी आर्क है ये जो है ना बिल्डिंग, यहाँ पे हमारा मेन गेट है वैसे तो, पर यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है इसलिए हमारा मेन गेट बंद कर दिया है, नहीं तो आप डायरेक्ट यहाँ से एंट्री लोगे। और ये रहा गार्गी आर्क जो आपको फोटोज में दिखता है, तो हाँ ये अपना हो गया मेन गार्गी आर्क। यहाँ पे आपका एडमिनिस्ट्रेशन है, जितना भी काम होता है सब यहाँ पे होगा, यहाँ पे बहुत लोग फोटो लेते हैं, ठीक है। ये जो है अपना, यहाँ जब जाएंगे तो ये पूरा साइंस डिपार्टमेंट है, एंड अगेन जो मैंने बताया था आर्ट्स क्वाड्रिलेटरल, ये यहाँ पे है, ठीक। पहले साइंस ब्लॉक पूरा देखेंगे, सोसाइटीज, ये स्टेशनरी वाली शॉप है जो अंकल ने बंद कर रखी है, सीधे लाइब्रेरी है, एंड यहाँ पे अपना पूरा काम चल रहा है, ये पूरा साइंस डिपार्टमेंट है। तो यहाँ साइड अपनी सारी ना लैब्स हैं, एंड ये हमारा साइंस क्वाड्रिलेटरल है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है, कभी कभी इवेंट हो जाते हैं। यहाँ पे सारी जो डिपार्टमेंट्स हैं ना उनके बोर्ड्स हैं, हमारा भी होगा। ये हमारा जेनिथ का बोर्ड है, जेनिथ हमारा BSc प्रोग्राम का एसोसिएशन है, मेरे को अपनी फ़ोटो नहीं दिख रही। अभी कॉलेज में ना बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, हर चीज़ टूटी फूटी पड़ी है, सारा वाइट वॉश हो रखा है, सब कुछ काम चल रहा है, एंड पीछे से इतनी ज़्यादा आवाज़ें आ रही है ना, मैं अच्छे से व्लॉग नहीं कर पा रही हूँ, बट होप सो मैंने काफ़ी हद तक कर लिया हो। एंड वन मोर थिंग, मैं अभी यहाँ पे आई हूँ एंड मेरे अभी 998 सब्सक्राइबर हो गए हैं, 2 more to go, एंड हम 1000 पे पहुँच जाएंगे, 1000 सब्सक्राइबर्स। एंड अभी 2-3 बच्चे आ रहे हैं, या एक दो, आई डोंट नो कितने बच्चे आ रहे हैं, फर्स्ट ईयर थे, उनको कुछ था तो मैंने गार्गी के बाहर ही आएंगे वो, तो उनसे ही मिलेंगे। एंड वेट कर रही हूँ यार कब अंकल लोग थोड़ा खाना वाना खाना जाए एंड मैं वीडियो बना पाऊँ। अभी मैं ग्राउंड में बैठी हूँ, ग्राउंड हमारा काफ़ी बड़ा है, आई होप सो दिख रहा होगा। मैं यहाँ ऐसे ही, ऐसा हमारा थोड़ा ना सिटिंग एरिया है, देख लो यहाँ बास्केटबॉल कोर्ट है और यहाँ पे सिटिंग एरिया, तो मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ क्योंकि बस मैं यही एक जगह है जहाँ पे मैं बोल सकती हूँ, बाकी तो इतना हल्ला हो रहा है ना। पारुल को कैंपस टूर दे रही हूँ मैं, मेरा वीडियो बाद में बनेगा। तो अभी हम फर्स्ट फ्लोर पे हैं, सॉरी मैं अच्छे से कॉलेज टूर नहीं दे पा रही हूँ क्योंकि बहुत कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा है, तो मुझे बार बार रोकना पड़ रहा है, स्टार्ट करना पड़ रहा है क्योंकि आवाज़ें आ रही हैं। तो मैं आपको एक रफ आइडिया देती हूँ, तो यहाँ पे बॉटनी रिसर्च लैब है, जूलॉजी डिजिटल लैब है, यहाँ पे वो नीचे फिजिक्स लैब है, वहाँ पे केमिस्ट्री लैब है, ऊपर भी केमिस्ट्री लैब है, तो ये पूरा साइंस वाला हो गया। एंड ये जो है ना, ये जो दिख रहा है, तो नीचे LT1 LT2 LT3 LT4 ऐसे कर करके ऊपर है ये पूरा। एंड इधर साइड अगर हम आते हैं तो ये है हमारा पूरा कॉमर्स ब्लॉक, ठीक है, ये ब्रिज है, वहाँ से कॉमर्स ब्लॉक स्टार्ट है, यहाँ से साइंस ब्लॉक ख़त्म, यहाँ पे माइक्रोबायो की क्लासेस लगती हैं और लैब्स हैं, यहाँ से मैं आई हूँ। आई होप आपको क्लियर आइडिया लग रहा है, ये आर्ट्स क्वाड्रिलेटरल है जो मैंने आपको पहले बताया, एंड ये हमारा नेस्कैफे है, ठीक है, नेस्कैफे है ये, एंड वहाँ पे अंदर, आई होप सो समझ आ रहा है, वहाँ पे आपका कैंटीन है और पीछे ग्राउंड है, इधर पे जो नेस्कैफे के उधर पे है वहाँ पे आपका इनेक्टस रूम है, यहाँ पे और भी हैं सोसाइटीज़ के लिए रूम है। अब चलते हैं हम कॉमर्स डिपार्टमेंट में, आपको सबसे पहले मेडिकल रूम दिख रहा होगा, अभी ना ये सब पूरा साफ हो जाएगा, कॉलेज काम कर रहा है अभी, ठीक। तो ये मेडिकल रूम हो गया इधर साइड पे, मैं आपको ऊपर दिखाती हूँ।
ये क्लासेस हैं। मैं आपको एलटी नहीं दिखाया मैंने, बट एलटी बहुत सुंदर होती है, वो भी दिखाती हूँ मैं। एलटी इज़ लेक्चर थिएटर, पीछे हमारा ग्राउंड। अब कॉमर्स ब्लॉक के हम सेकंड फ्लोर पे जा रहे हैं, दिखाती हूँ। आई होप आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया तो लग रहा होगा, क्योंकि मैं अच्छे से नहीं दिखा पा रही हूँ, सो सॉरी। अगर होगा तो मैं एक दूसरा वीडियो भी बना दूंगी जब थोड़ा कॉलेज साफ हो जाएगा। यहाँ से ऊपर आ गया, अगर यहाँ से आप सीधे सीधे जाओगे तो अगेन जैसे मैंने आपको बताया था ना ब्रिज, फिर साइंस डिपार्टमेंट में पहुँच जाओगे। अगेन मुझे अब ऊपर नहीं जाना है, इतना ही देख लो। यहाँ पे वाटर कूलर हो गया, वॉशरूम, चलो वॉशरूम भी दिखाई देती हूँ। वैसे मैं वॉशरूम आती नहीं हूँ, पता नहीं मुझे कॉलेज का अच्छा नहीं लगता, बट या कॉमर्स डिपार्टमेंट में ज़्यादा अच्छे वॉशरूम है। अब अंदर नहीं दिखाऊंगी यार, बस इतना काफ़ी है। तो हाँ, फिर अब बाहर आ गए हम, ठीक है। अभी मैं यहाँ से व्यू दिखाती हूँ, कितना प्यारा लगता है कॉलेज, ठीक है। फिर एलटी दिखाती हूँ, फिर आपको लाइब्रेरी दिखा दूंगी। तो अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका वही, एंड यहाँ से आप साइंस डिपार्टमेंट जाओगे। ये सब तो दिखा दिया आपको पहले ही, तो चलो एलटीज़ वगैरह दिखा देती हूँ। जब आपका मेन डे ओरिएंटेशन होगा ना, तो सबसे पहले ओरिएंटेशन होगा ऑडिटोरियम में, जो लास्ट ईयर हुआ था। फिर उसके बाद हर डिपार्टमेंट अपना ओरिएंटेशन लेगा, तो आपको रूम नंबर अलॉट होंगे। एलटी जिनको मिलेगा तो देख लो एलटी कहाँ पे है। साइंस डिपार्टमेंट में तीनों फ्लोर में है। ग्राउंड फ्लोर पे LT1 LT2 है, सेकंड फ्लोर पे LT3 LT4 है। एक LT दिखाती हूँ, LT इज लेक्चर थिएटर। तो ये है LT, हमारी बेंच वो होती थी लास्ट वाली। मैं अभी थर्ड ईयर में, देखा जाए तो फर्स्ट टाइम कॉलेज आ रही हूँ, मतलब हमारी तो 16 से ही स्टार्ट है आप लोग के साथ ही, तो मेरी फर्स्ट बारी कॉलेज आ रही हूँ। और मुझे ऐसा लग रहा है ना कि एकदम लास्ट ईयर बचा है, फिर उसके बाद ग्रेजुएशन ख़त्म हो जाएगी देखते देखते, ठीक है। मोस्टली साइंस वाले बच्चों की ना LTs में ही क्लासेस होती हैं, तो हाँ आई थिंक काफ़ी कुछ कैप्चर हो गया है। एक दो चीज़ें और रह गई तो वो भी दिखा देती हूँ मैं। मुझे ना ऐसा डर लग रहा है कि मैं LT के अंदर आ गई हूँ और कोई बाहर से बंद करके चला ना जाए, टचवुड ना हो ऐसा, ठीक है। चलो चले, गर्मी से मेरा हाल ऐसा हो रहा है ना, एंड इतनी गंदी नॉइस आ रही है ना पीछे से। यार कॉलेज सुंदर तो है, कुछ भी कहो। देखो ये रहा अपना नेस्कैफे, यहाँ पे आपकी सबसे अच्छी होती है आइस टी, एंड वो रही कैंटीन, वो सीधे जो है ये ह्यूज है हमारी फाइन आर्ट सोसाइटी, उनके लिए है ये, प्लेसमेंट सेल वालों का है शायद, ऐसे ही नेक्टेस के रूम वगैरह हैं। चलो अब नीचे जाती हूँ और कैंटीन आपको दिखा देती हूँ। कैंटीन के बाद लाइब्रेरी और बचता है, तो देखती हूँ दिखा पाती हूँ तो मना ना कर दें। काफ़ी सही लाइब्रेरी है, सेकंड फ्लोर भी है, ठीक है। तो यहाँ पे लाइब्रेरी है, ठीक है, एंड लाइब्रेरी से ऐसे ही आओगे तो कैंटीन। यार बहुत ज़्यादा हल्ला हो रहा है, कोई बात नहीं, देख लो भाई ये भी देख लो, ठीक है, देख लेना क्या खाना है तुम्हें। इंडिया बस लास्ट में आपका ग्राउंड काफी बड़ा है, ठीक है, वो भी दिखाती हूँ। मोटा मोटा मैंने आपको सब कुछ दिखा दिया है, ठीक है। ये ग्राउंड है, ग्राउंड में एंट्री हमने ले लिया है। ग्राउंड में मेजर इवेंट्स होते हैं हमारे, मेजर इवेंट्स इन द सेंस जैसे जिस तत्व वगैरह हो गया, कोई फेस्ट वेस्ट होता है, यही होता है। ये हमारा बास्केटबॉल कोर्ट है, ठीक है, ग्राउंड काफ़ी बड़ा है देख लो। एंड वहाँ पे एकदम लास्ट पे आपका क्या है, आई थिंक टेनिस कोर्ट है, हाँ टेनिस कोर्ट है, बहुत तेज धूप है। सो या
ये था पूरा वीडियो। अब मैं आपको बाकी लास्ट में दिखाती हूँ कॉलेज के बाहर, ठीक है, कि कमला नेहरू कैसा है। देखो कमला नेहरू का अंदर से तो टूर मैं नहीं दे सकती, बाहर से दिखा देती हूँ। एकदम बगल से लगा हुआ कॉलेज है, ठीक है, हालत देखो मेरी। कॉलेज से बाहर आ गई हूँ, माइक नहीं है मेरे पास आज, ठीक है, मैं भूल गई लाते। और मैं दिखा दूँ कि मेन गेट हमारा कैसा है। बाहर का व्यू काफ़ी अच्छा है यार, एकदम पॉश एरिया में गार्गी लोकेटेड है, ठीक है, तो मैं दिखाती हूँ। ये है हमारा मेन गेट जो कि बंद है। ऐसा नहीं लग रहा कि मैं ब्लॉग उल्टा कर रही हूँ, ये सब चीज़ें मुझे स्टार्टिंग में दिखानी चाहिए थी, बट सी ये मेन गेट है। एंड वो रहा कमला नेहरू का बस स्टॉप, सॉरी गार्गी का बस स्टॉप है ये, ठीक है। हाँ तो गार्गी के बस स्टॉप पर हम आ गए हैं, तो गार्गी का बस स्टॉप ये है। अब एक चीज़ और मैं बता दूँ कि बस से भी ट्रैवल कर सकते हो यार, ऐसा कुछ नहीं है। इवन बस में गर्ल्स के लिए तो फ्री है, ठीक, तो आराम से घूमो दिल्ली फ्री में, बी से, ठीक है। अब हम कमला नेहरू तक जाने वाले हैं। अभी देखो ये गार्गी ही चल रहा है, ये जो रेड रेड वॉल्स है ये गार्गी है, ठीक है। बस हम कमला नेहरू पहुंचने वाले हैं। ये देखो यहाँ से गांगी, अब हम कमला नेहरू आ गए। ये रहा कमला नेहरू, ठीक है, एंड ये गार्गी एंड कमला नेहरू के बाहर वाला एरिया देख सकते हो, काफ़ी अच्छा है। ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं कमला नेहरू का स्नीक पिक देख रही हूँ, दे ही रही हूँ। देखो ये एक ही बिल्डिंग है कमला नेहरू की, एंड पीछे कैंटीन है एंड ग्राउंड है। तो यार दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। हम कमला नेहरू बस स्टॉप तक पहुँचने वाले हैं। अब मुझे जाना है वापस से मेट्रो स्टेशन, ठीक है। तो मैंने काफ़ी कोशिश करी कि जितना हो सके उतना दिखा पाऊँ। अगर आपको और भी डिटेल वाला वीडियो चाहिए तो मैं मे बी 15-16 तक जब काम हो जाएगा तब एक बारी वो भी बना दूंगी, ठीक है। सो या लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड ऑल्सो हमारे 1K सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच, बाय बाय।